फॉर अ कंपनी लाइक एडोबी केवल DSL को से काम नहीं चलेगा, आई थिंक कंप्यूटर फंडामेंटल्स को भी अच्छा हमें करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा रिज्यूमे कोई नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट ही नहीं। सबने बोला अगर प्रोजेक्ट्स होंगे और वो क्लाउड पर होंगे, राइट, अगर डिप्लॉयड होंगे तो दैट विल क्रिएट अ ग्रेट एक्स फैक्टर। एप्टीट्यूड आता है टेक्निकल सेक्शन में, OSDBMS SQL वगैरह आते हैं, आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं और कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। इसका HR राउंड बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब काफी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो HR राउंड में एक से पूछ लिया कि तुम एडोबी के अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए जाओ एक दिन के लिए तो क्या करोगे, यार ये बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, इसका कैसे आंसर दें। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अ स्ट्रेटजी टू क्रैक अ कंपनी लाइक एडोबी। सर, एडोबी एक बहुत ही बढ़िया MNC है टू वर्क फॉर और बहुत ही सही पैसे भी देती है, बहुत ही सही वर्क कल्चर है फॉर अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आई थिंक CTC उसका अराउंड 29 LPA के आसपास है, जिसपे बेस कुछ 13 या 13.5 लाख है, बाकी बोनस वगैरह है और स्टॉक्स वगैरह है। सो इट्स एन अमेजिंग कंपनी टू वर्क फॉर, है ना। सो अब एडोबी जैसी अगर कंपनी निकालनी है हमें, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या क्या चीजें हमें अपनी प्रिपरेशन में ले आनी चाहिए, क्या हमें रिज्यूमे पे ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम ध्यान रखना चाहिए, कैसे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, मैं पूरा ये डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में किस बेसिस पे। सो अगेन आई हैव सीन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ एडोबी, है ना, मैंने 4-5 लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, फुल टाइम है, इंटर्नशिप है, सब लोगों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हमें ध्यान रखना है टू क्रैक अ कंपनी लाइक एडोबी, वो सब कुछ मैं उसकी समरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। 4 चीजें डिस्कस करूंगा, प्रिपरेशन टिप्स अकॉर्डिंग टू देम, रिज्यूमे टिप्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू राउंड में क्या क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, HR राउंड में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसी वीडियोस मैंने और भी बनाई है, Amazon, Microsoft, Goldman Sachs, इसके बाद वाली वीडियो भी जाके देखो, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। सो चैनल देखते रहो और मोटिवेटेड रहो और सही गाइडेंस के साथ रहो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडोबी के बारे में, एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडोबी की प्रिपरेशन टिप्स के बारे में कि अगर हमें एडोबी जैसी कंपनी निकालनी है तो हमें प्रिपरेशन में क्या क्या ध्यान रखना है। देखो DSL को तो करना ही है, वो तो सबने बोला है, सॉलिड होना चाहिए DSL को, वही ट्रीज, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए एडोबी जैसी कंपनी निकालने के लिए। तो मोस्टली फोकस तो DSL को पे ही होगा, बट सबने कहा, सबके इंटरव्यू राउंड्स में मैंने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अ कंपनी लाइक एडोबी। आई थिंक क्यों, क्योंकि उनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एडोबी एक्रोबैट, रीडर, हमने देखा हुआ है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज अच्छे से चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंटर्नशिप में ना फुल टाइम में तुम मिस नहीं कर सकते, वो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। DBMS, सिस्टम डिजाइन, ये तक पूछा जा रहा है। तो प्लीज लाइक फॉर अ कंपनी लाइक एडोबी केवल DSL को से काम नहीं चलेगा, आई थिंक कंप्यूटर फंडामेंटल्स को भी अच्छा हमें करना पड़ेगा, तो उसको हम मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन स्किल्स में सबने बोला कॉन्फिडेंस की है, यार कॉन्फिडेंटली आंसर करने हैं, और वो कैसे आया था, उनके पास प्रैक्टिस के साथ ही आया था। मैं भी ये बोलता हूँ प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है कॉन्फिडेंस, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंट रहो। अब कहीं इंटरव्यू में स्टक हो गए तो पैनिक मत करो, राइट, आस्क द इंटरव्यूअर कि क्या इसमें यही पूछा जा रहा है, क्या कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करो, वो हिंट देगा। तो अपने प्रिपरेशन के टाइम ज्यादा पैनिक मत करो, इंटरव्यू के टाइम ज्यादा पैनिक मत करो, आई थिंक दैट विल रियली हेल्प। इसके अलावा सबने बोला अपने रिवीजन के लिए नोटबुक्स अपनी मेंटेन रखो, राइट, कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी तुमने सीखा तुम उससे बार बार रिवाइज कर पा रहे हो, दैट रियली हेल्प्स। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, है ना, और हम जो लाइक जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, राइट। तो थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजों में हमें प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वन इज डूइंग द क्वेश्चन, बट एक्सप्लेनेशन पावर कि हम उसको समझा भी पा रहे हैं, उसकी भी हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, दैट रियली हेल्प्स इन द इंटरव्यूज, है ना। और एक लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, सबने बोला अगर प्रोजेक्ट्स होंगे और वो क्लाउड पर होंगे, राइट, अगर डिप्लॉयड होंगे सो दैट विल क्रिएट अ ग्रेट एक्स फैक्टर। बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि बंदे ने प्रोजेक्ट तो बनाया है साथ साथ डिप्लॉय भी करा है। सो दीज आर द फ्यू प्रिपरेशन टिप्स जो उन्होंने बोला, अगर ये होंगी तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू क्रैक अ कंपनी लाइक एडोबी। अब इसके बाद चलते हैं हम रिज्यूमे टिप्स पे। आई थिंक रिज्यूमे पे हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, लाइक सिंपल सी बात है, एक पेज का होना चाहिए। फ्रेशर के लिए तो बिल्कुल एक पेज का होना चाहिए, अगर 4-5 एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है तो भाई एक पेज का रखो, इससे ज्यादा कोई किसी के पास टाइम नहीं कि वो उससे ज्यादा देख पाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट जो भी लिख रहे हो उसका टेक स्टैक होना चाहिए, क्या यूज हुआ है, क्या उसका इंपैक्ट है, पूरा अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा रिज्यूमे कोई नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो प्लीज DSL को तो कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल करो जिसपे तुम प्रोजेक्ट बना पाओ, है ना।
रिज्यूमे पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, इंडेंटेड होना चाहिए, मतलब रिज्यूमे इज योर राइट प्रेजेंटेशन, उसको अगर अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हो तो कैसे दिखाओगे राइट, अपने आपको बेचते ही लोग रिज्यूमे से है, तो वो तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा ठीक है। तो इंडेंटेड रखो, ग्रामेटिकल एरर ना हो, सुंदर लगे राइट, लिखे एकदम सेक्शन ऐसा ना हो कि पूरा प्रोजेक्ट से ही भर दिया, नहीं, एजुकेशन भी है, प्रोजेक्ट भी है, स्किल्स भी है, कुछ कुछ अचीवमेंट्स भी है, अगर थोड़ा बैलेंस होगा तो बहुत अच्छा रिज्यूमे लगेगा राइट। सो दीज आर द फ्यू रिज्यूमे टिप्स जो उनके अकॉर्डिंग है और जनरली हम भी बताते रहते हैं कि रिज्यूमे में हमें क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर अब एप्लीकेशन प्रोसेस पे चलते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करा। देखो ऑन कैंपस में तो यही था कि CGPA पे थोड़ा फोकस था, है ना, कि यार लोगों ने बोला कि कुछ कैंपसेस में 7 CGPA एंड अबव वालों को अलाउ करा था और कुछ में 7.5 CGPA एंड अबव, इंटर्नशिप के लिए भी, फुल टाइम के लिए भी। तो CGPA प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस में भी CGPA ने रोल प्ले करा है, उन्होंने अप्लाई ईमेल अप्रोच के थ्रू करा था राइट, रिक्रूटर को मेल वेल करके लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करा होगा या ईमेल करा होगा, रिक्रूटर की ईमेल मिल गई, अपना रिज्यूमे भेजा, दैट इज हाउ दे हैव अप्लाइड। बट उसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था, CGPA 8 एंड अबव थी ऑफ कैंपस में, तो आई थिंक एडोबी प्लेज अ क्रिटिकल रोल ऑन CGPA, तो वो देखती है, तो अपनी CGPA अगर अच्छी मेंटेन कर सकते हो तो कोशिश करो, वरना दिक्कत आएगी थोड़ी शॉर्टलिस्टिंग में। तो अगर कॉलेज में ही हो तो CGPA ध्यान रखने की कोशिश करो, और वरना बेसिकली और जो अप्लाई करना है उसमें हम ईमेल वगैरह के थ्रू, लिंक्डइन वगैरह के थ्रू हम रीच आउट कर सकते हैं ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशन प्रोसेस जो हमने बताया कि कैसे कैसे लोगों ने अप्लाई करा है। अब चलते हैं हम इंटरव्यू राउंड्स कैसे होते हैं एडोबी में। आई थिंक इंटरव्यू राउंड में जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट राउंड होता है। देखो फर्स्ट राउंड इसका काफी लंबा राउंड होता है, किसी में 1.5 घंटे का होता है, किसी में 2 घंटे का होता है। क्या होता है उसमें, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें एप्टीट्यूड की तैयारी तो करनी है, है ना। उसके अलावा फिर एक सेक्शन होता है टेक्निकल सेक्शन, जिसमें आउटपुट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, C++ के आउटपुट के क्वेश्चंस, या फिर बेसिकली OS, DBMS, SQL के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आ रहे हैं मतलब बेसिकली ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं, तो उस पे राउंड होता है। फिर कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, और जनरली इसमें कोडिंग क्वेश्चंस थोड़े एडॉक टाइप के आते हैं कि सॉल्यूशन सोचना आसान है बट कोड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कोड हमें तेज करना आना चाहिए। स्ट्रिंग है, एडॉक क्वेश्चन है कि भाई सॉल्व करना है, मैनिपुलेट करना है स्ट्रिंग में कुछ, तो बेसिकली काफी ज्यादा कोड लिखने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ी कोड लिखने का अगर स्पीड तेज होगी तो दैट विल रियली हेल्प, है ना। सो ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड में होता है, एप्टीट्यूड आता है, टेक्निकल सेक्शन में OS, DBMS, SQL वगैरह आते हैं, आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, और कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग क्वेश्चंस में वही डेटा स्ट्रक्चर्स के आते हैं, स्ट्रिंग एरे के ज्यादा आते हैं, एडॉक टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सॉल्यूशन सोचना आसान होगा बट कोड ज्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद जो इंटरव्यू राउंड्स हुए उसके अंदर जनरली यही था, शुरू में स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट डिस्कशन ही होता था, 10-15 मिनट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, कुछ कुछ में पूछ लिया कि सिस्टम डिजाइन के बारे में पूछ लिया है, कुछ कुछ में OS, DBMS के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं, DBMS का थोड़ा कम है बट OS के बहुत ज्यादा है, वर्चुअल मेमोरी, म्यूटेक्स, काफी क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स में तो वही है अपने टॉपिक्स, ट्री, लिंक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक्स, क्यूज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा फोकस है, लाइक कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग लेवल के फोकस नहीं है बट आई थिंक जो कॉमन ट्रीज के क्वेश्चंस होते हैं वो सब काफी पूछे गए हैं। सिस्टम डिजाइन में जैसे मैंने बोला ऊप्स का जो लो लेवल डिजाइन होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली चीजें वो पूछी गई हैं, पजल्स पूछी गई हैं एडोबी में, मैंने हर इंटरव्यू में देखा, तुम देखोगे अब जब इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे पजल्स आई हैं, तो थोड़ी सी अगर हम पजल्स की भी प्रैक्टिस कर ले तो दैट विल रियली हेल्प, बिकॉज पजल पूछ ली जाती हैं, है ना, और वही सिमिलर सी पजल्स हैं, अगर तुमने जब पढ़ोगे तो तुम देखोगे अच्छा ये पजल कहीं ना कहीं सुनी हुई है, तो अगर प्रैक्टिस कर लोगे पजल्स की भी तो दैट विल रियली हेल्प, है ना। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो मोस्ट मेरे को एक डिफरेंट चीज लगी, इसका HR राउंड बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब काफी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो HR राउंड में एक से पूछ लिया कि तुम एडोबी के अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए जाओ एक दिन के लिए तो क्या करोगे, यार ये बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, इसका कैसे आंसर दें, है ना। फिर एक बंदे से पूछ लिया कि अपने आपको स्केल कितना करोगे 1 to 10 इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, एकदम से 10 बोलोगे तो भी कुछ आंसर तो सोचेगा बड़ा हीरो बन रहा है, 1 दोगे तो कहोगे तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देने हैं राइट। व्हाट मेक्स यू एंग्री, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक पूछा है कि अगर तुम्हें लोकेशन अपनी प्रेफरेंस की नहीं मिली तो क्या ज्वाइन करोगे नहीं करोगे कंपनी, यहाँ फिर ये थोड़ी बोलोगे कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, ऑब्वियसली यू विल से कि मैं ज्वाइन तो करूंगा, तब भी वहां वही बोल दोगे तो ये बोलेगा यार तो अभी रेडी नहीं है, इसका प्रोसेस करने का फायदा ही नहीं है। तो एटीट्यूड चेक, ओवरऑल जनरल आइडिया चेक, और सोच समझ के आंसर देने हैं, मतलब स्मार्ट माइंड रखना है वो इंटरव्यू रूम में, मजाक नहीं चल रहा है वहां पर, मतलब वो क्वेश्चन जैसे घुमाएंगे तुम्हारे अंदर से चीजें निकालेंगे कि तुम अंदर से क्या सोचते हो, तो वो HR राउंड काफी क्रिटिकल होता है एडोबी का और अच्छे लेवल का होता है,
तो प्लीज ये इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लो, इन क्वेश्चंस की भी अपने आप में एटीट्यूड में तैयारी कर लो, दैट विल रियली हेल्प इन योर एक्चुअल इंटरव्यूज। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखो वही सब है प्रिपरेशन टिप्स में उन्होंने बोला कि यार डीएस एंड एल गो ओएस डीबीएमएस सिस्टम डिजाइन की तैयारी अच्छे से करो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो, मेरे हिसाब से तुम मॉक इंटरव्यूज दे दो, दैट विल रियली हेल्प यू, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, कॉन्फिडेंस जितना होगा उतना ज्यादा आएगा, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो ये सब तो प्रिपरेशन टिप्स थी, रिज्यूमे में वही था वन पेज का रखो, रिज्यूमे में फालतू की चीजें मत डालो, है ना, अपना जो प्रोजेक्ट का सेक्शन है उसको ठीक ठाक भरो, अच्छे से डिस्क्राइब करो कि क्या टेक्स्ट स्टैक यूज कर रहा है, राइट। अप्लाई करने के टाइम CGPA थोड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, तो CGPA का हम ध्यान रखते हैं, बाकी लिंक्डइन ईमेल अप्रोच के थ्रू हम ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू में यार बेसिकली DSNL को तो पूछे जा रहा है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े इनडेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डीप डाउन से अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, जिससे कि वो टाइप के आंसर्स हम कर पाए, राइट। और इसके अलावा जो HR राउंड है उसके अंदर तो पता नहीं कौन से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट, और उन क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से आंसर कर पाएं, तो दैट विल रियली हेल्प इन आवर इंटरव्यूज एंड विल रियली हेल्प इन क्रैकिंग द कंपनी लाइक Adobe। सो ये मैंने पूरा एक समराइज कर दिया, इन सब चीजों को अपनी प्रिपरेशन में डालो, ध्यान रखो, दैट विल रियली हेल्प टू क्रैक दिस कंपनी। इसके अलावा तुम्हारी कोई और सजेशन हो जो तुम चाहते हो मैं इन वीडियोस में ध्यान रखूं, प्लीज सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। कोई और वीडियो तुम चाहते हो जिसमें मैं बनाऊं, मैंने ऐसी वीडियोस बना रखी हैं Amazon की, Microsoft की, Goldman Sachs की, Google की, उसको मैं लिंक डलवा दूंगा, प्लीज वहां पर जाके देखो, उन वीडियोस को भी रिव्यू करो, बताओ कि कैसी लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए क्या, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर इन द कमेंट बॉक्स। और लाइक एंड शेयर करो यार वीडियोस को, है ना, मिस मत करो, एंड होपफुली यू आर लर्निंग अ लॉट एंड होपफुली वी आर गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, गुड लक।